हेलो बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम सीखेंगे शब्दार्थ जो कि पेज नंबर 2 पर दिया गया है। प्रश्न है, नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान करिए। बच्चों ये शब्द हैं, इधर इनके अर्थ दिए हुए हैं। आइए हम देखते हैं। कपड़ा, कपड़ा का अर्थ होता है वस्त्र। कपड़ा का अर्थ क्या होता है? वस्त्र होता है। तो हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि वस्त्र कहाँ लिखा है, वस्त्र कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? सबसे आखिर में लिखा है वस्त्र। तो हम क्या करेंगे, इससे इसका मिलान कर देंगे। उसके बाद गर्दन, गर्दन, गर्दन देखिए, गर्दन का अर्थ होता है गला। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि इसका अर्थ ढूंढना है। अब देखिए, मनुष्य, भूमि, गला, कहाँ लिखा है गला? ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको मिलान कर देंगे। उसके बाद है आदमी। अब आदमी का अर्थ होता है मनुष्य। हम देखेंगे कि मनुष्य कहाँ लिखा है। मनुष्य, भूमि, बेटी, वस्त्र, मनुष्य सबसे ऊपर लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इससे इसका मिलान कर देंगे। अब देखिए पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि। पृथ्वी कहाँ लिखा है, ये देखिए, पृथ्वी का अर्थ कहाँ लिखा है? भूमि, बेटी। पृथ्वी का अर्थ होता है भूमि। तो हम क्या करेंगे, इससे इसका मिलान कर देंगे। अब केवल हमारे पास एक शब्द बचा, पुत्री। पुत्री का अर्थ होता है बेटी। तो हम क्या करेंगे, इससे इसका मिलान कर देंगे। तो देखा बच्चों, किस तरह से मैंने शब्द का मिलान अर्थ के साथ किया। आप भी अपनी अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 2 पर इसी तरह से जो शब्द दिए गए हैं उनका अर्थों से मिलान कीजिए और देखिए कि आपने ये ठीक किए हैं या नहीं। बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।